हे मेरे परम प्रिय मित्रों एवं पाठकों, जिस प्रकार साहब मेरी पोस्ट पढ़ करके मुझे अपना प्यार देते हैं, मैं अपने हर एक पाठक का जवाब जो है वो देता हूँ। आज का मेरा मुख्य विषय है दुर्भाग्यनाशिक। पढ़ने वाले बच्चे, नौकरी प्राप्त करने वाले बच्चे, कारोबार करने वाले, हर प्रकार के जो लोग हैं, उनको अपनी मेहनत के अनुसार फल नहीं मिलता। बार बार मेहनत करते बार बार असफल हो जाते, अर्थात दुर्भाग्य जब उनका साथ नहीं छोड़ता है, क्योंकि मेहनत करने के बाद भी वो फल को प्राप्त नहीं करते। आज उनके लिए एक उपाय बता रहा हूँ, बाकी चर्चा इसके बाद करूँगा। इसमें सामग्री क्या क्या प्रयोग होगी, एक जो है वो आपने आटे का दीपक बनाना है, उसके ऊपर जो है वो दो बत्ती डालनी है, क्रॉस लंबी बत्ती दो, यानी चार बत्तियाँ हो जाती है, और एक नींबू, सात लाल मिर्च, दो लौंग, दो बड़ी इलायची। ये सारा सामान जो है वो या तो बरगद वृक्ष के पत्तों के ऊपर या फिर केले के पत्ते ऊपर, सारी चीज़ें जो है वो आपने रख देनी है। ठीक रात्रि के 12 बजे सुनसान चौराहे पर जा कर के पत्ते को हाथ में पकड़ करके आपने ये शब्द कहने हैं जो मैं भी नीचे कहूँगा, और जब घर से भी चलना है तो भी आपने यही शब्द कहने हैं कि हे दुर्भाग्य, मैं तुम्हें अपने साथ जो है वो चौराहे पे ले जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलो। हे मेरी विपत्ति, हे मेरी संकट, आप मेरे साथ चलो। सारा सामान जब आप घर से लेकर चलेंगे तो चुपचाप चलना है, किसी भी प्रकार से आपने कोई बातचीत नहीं करनी है, ना ही कोई आपको रात को देखे। अगर कोई नज़र भी आता है तो भी उसे नज़रअंदाज कर देना है। और जब आप चौराहे पर पहुँचेंगे तो वहाँ सारा सामान जो है वो मैं हाथ में पकड़ करके आपने प्रार्थना करनी है कि हे दुर्भाग्य, हे संकट, हे विपत्ति, आप मेरे साथ चले और आप जो है अब इसी चौराहे पर रहे। फिर चौराहे पर आपने जो है उसको रख देना, और फिर आपने प्रार्थना करनी है कि हे संकट, हे विपत्ति, हे दुर्भाग्य, मैं आज आपको विदा कर रहा हूँ, अब आप मेरे साथ ना आए, आपके लिए चारों रास्ते खुले हैं, आप कहीं भी जाएं। तो ये आप 7-7 दिन में भी बार बार कर सकते हो, यानी 11 बार, 21 बार, 31 बार कर सकते हो, जब तक पूर्ण लाभ प्राप्त ना हो। और इसको करने से जो है वो आपका दुर्भाग्य जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। एक बार फिर बताता हूँ मैं, एक जो है आपको जो है वो केले का पत्ता चाहिए बड़ा, उसके ऊपर आटे का चमुखा दीपक रखना है, एक नींबू, सात लाल मिर्च, सात लड्डू और दो लौंग, दो बड़ी इलायची रखनी है। और इसको घर को ले जाते हैं, घर से जब आप चौराहे पे जाओगे तो भी जाते समय जो है वो आपने जो भी मैंने कहा कि हे दुर्भाग्य, हे संकट, मेरे साथ चलो, इसको बोलना है। जब चौराहे पर जाना है तो आपने ये कहना है कि हे दुर्भाग्य, हे संकट, आज तुझे मैं चौराहे पर छोड़े जा रहा हूँ, अभी तुम कभी मेरे पीछे मत आना। इस प्रकार से बार बार करने से आपका दुर्भाग्य जो है वो साथ छोड़ जाएगा। एक इसका और उपाय है दूसरा, जैसे किसी अन्य ग्रह के कारण आपका दुर्भाग्य पीछे नहीं छोड़ रहा है, जैसे शनि, उसने चलो रहो वो केतु, तो उसके लिए 7 शनिवार को आपने 7 दीपक हर शनिवार को पानी में बहाने हैं। इसमें जब भी आपने दीपक बहाने तो आपने यही कहना है कि हे दुर्भाग्य, हे संकट, हे विपत्ति, हे मेरी बाधाओं, आज तुम्हें जो है मैं इस पानी में छोड़े जा रहा हूँ, आप कभी भी मेरे पीछे मत आना। तो ये 7 दीपक जो है वो एक एक करके जला करके अपने माथे से लगा करके प्रार्थना करके जल देवता के, हे जल देवता, तेरे माध्यम से जो है वो इनको पानी में छोड़ रहा। इस प्रकार 7 शनिवार करने से, 11 शनिवार करने से, 21 शनिवार करने से जो है वो दुर्भाग्य साथ छोड़ जाता है। और साथ साथ में 21 बादाम गरीबूरा जो है, और इसमें 7 अनाज मिला करके, सभी चीज़ें जो है एक समान मिला करके, तो इसकी भी आप जो है वो जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको डालिए। जब वृक्ष के अपने जैसे पीपल का वृक्ष है उसके किनारे आप डाल दी, क्योंकि वहाँ भी चींटियाँ वगैरह बहुत होती हैं। तो इससे क्या होगा कि जो जीवन की जो भी बाधा है, दुर्भाग्य बाधा, दुर्भाग्य होता है कि जो भाग्य साथ नहीं देता है, हर चीज़ होने के बावजूद उसका लाभ नहीं मिलता है, बहुत परिश्रम करने के बावजूद भी उसका फल नहीं मिलता है, कारोबार जो है वो सब कुछ होने के बाद नहीं चलता है, और बार बार असफलता का मुंह देखना पड़ता है, उसके लिए ये उपाय है। इसके आगे जो है
वो अपना इष्ट देवता जो अपनी कुल देवी जो है, जो कुल देवता जो है उसको भी स्मरण करिए कि हमारी जो है वो आप जो है वो रक्षा करिए और हमारे भाग्य को देख करिए। अगर किसी को इस धर्म में ना पता चला हो तो 88 947 3376 पर जो है वो मुझसे कन्फर्म कर सकता है।